अस्सलामुअलैकुम, हम है फूड क्वालिटी मेकर की तरफ से और आज हम लोग आपके लिए लाए हैं कैरेमल बटर स्कॉच चिली चीज़ की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े का केक बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके सबसे पहले हम लोग लेंगे 3 अंडे। हमने जो है अंडे ज़्यादा मीडियम साइज़ के, ना ज़्यादा बड़े लिए हैं ना ही ज़्यादा छोटे। हमारा जो अंडों का साइज़ था वो था मीडियम। हम इसे क्रश करके रख लेंगे। तो हमने जो है 3 अंडे तोड़े हैं हम लोग। फेलेंगे लेकिन हम ज़्यादा मिस नहीं करेंगे, बस हमें इतने इसको इतना मिस करेंगे कि इसमें बबल्स अपीयर शुरू हो जाए। ज़्यादा बबल्स इसमें नहीं और अपीयर होने देना है, क्योंकि हम लोग स्पेशल से मिस कर रहे हैं ताकि ज़्यादा मिक्स ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा मिक्स हो जाएगा तो ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी नहीं बनता। हमें बनाना है मॉइस्ट। तो इस तरह से जो है हम लोग इसे मिस करेंगे जब तक बबल्स अपीयर ना होना शुरू हो जाती है। देखिए थोड़ी बहुत हो रही है अपीयर, तो यार देख सकते हैं ये जो है हमने अंडे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसमें ज़्यादा बबल्स अपीयर नहीं हो रही, बस बबल्स की जो है एक लेयर ऊपर आ चुकी है। आपको कभी इतना मिक्स करना जितना हम लोग ने मिक्स किया है। तो अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे शक्कर। तो ये जो है हमने 1 कप शक्कर ले ली थी। 1 कप तो वैसे बहुत है, लेकिन बेकरी में जो है 1 कप ही डलती है, लेकिन अगर आप चाहें और ऐड करने के लिए तो आप इसको और भी अपने जायके के लिहाज से और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने सारी शक्कर डाल दी है। ये बहुत ही सारी केक बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़े बनता है। और अगर आप लोगों ने समझना है तो आप अच्छे से हम मिस करते रहेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग अपनी शक्कर को मिस कर लेंगे। आप इस टाइप की भी दे सकते हैं, इसको ऊपर नीचे करते रहें, शक्कर जो है खुद ही मिक्स होती रहेगी। तो जब तक शक्कर अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती जब तक हम लोग इसमें मैदा ऐड नहीं करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक शक्कर जो है इसमें घुल नहीं जाती। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारी शक्कर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। शक्कर पता भी चलने के लिए शक्कर है। इसी तरह से जो है आप लोग को भी मिक्स करनी है। अब हम लोग उसमें ऐड करेंगे मैदा, बेकिंग पाउडर और कॉर्नफ्लोर। हमने जो है शक्कर को इतना मिक्स किया था कि इसमें बबल्स अपीयर होना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग उसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस में डाला था 1/2 टीस्पून। अब इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। तो हमने जो है वनीला एसेंस को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हमने लिया था 1 कप मैदा। अब देख सकते हैं हमने 1 कप मैदा लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून एंड 1/2 टेबल स्पून हमने ऐड कर लिया था कॉर्नफ्लोर। अगर आप लोग को ये समझ ना आए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएँ कि आप लोग को हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो अब जो है इसको हम लोग ऐसा ऐसा करके ऐड करेंगे। देख सकते हैं आप लोग से जो है हम लोग इसको ऐसा ऐसा करके ऐड करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। लेकिन इस बात खास कर रखें कि 1 कप से ज़्यादा नहीं डालिएगा आप इसमें मैदा। अब इसको अच्छे से जो है हम लोग मिक्स करते जाएंगे। तो ये जो है हमने एक थिक सा बटर तैयार कर लिया था, तो इससे कितना थिक है। अब जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे घी। घी की जो मिजाज हम लोग लेंगे वो हम लोग लेंगे 1/4 कप। तो जो है हम लोग 3 cc केक बना रहे हैं, तो इसलिए जो है हमें घी दाने चाहिए होगा, थोड़ा थिक हम लोग लेंगे। हम लोग जो है लिक्विड एकदम पिघला हुआ घी नहीं लेंगे। तो आप देख सकते हैं घी कितना थिक है, इतना थिक है ये घी। तो ये जो हमने घी डाल दिया था इसमें, आप इसको अच्छे से जो है हम लोग मिक्स कर लेंगे। अब जो है हम लोग घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इसे इसको फोल्डिंग में ले जाएंगे, खुद ही से जो है मिक्स होता रहेगा। और इस बात खास कर रखें घी जो आपको ऐड करना है वो आखिर में ही ऐड करना है, स्टार्टिंग में ऐड नहीं करना। देख सकते हैं ये हम लोग इसमें घी ऐड कर रहे हैं। इस तरह से जो है इसको फोल्डिंग देते रहेंगे, इसमें घी ऐड करते रहेंगे। देख सकते हैं आप लोग इस टाइप का बैटर हमारे तैयार हो चुका है। और मिक्स करेंगे तो ये जो है और फैलने वाला, मतलब और लिक्विड हो जाएगा यार। से जो है हम लोग इसे मिस करते रहेंगे। तो हमने इसको इतना मिस किया था कि इसकी जो कंसिस्टेंसी हो चुकी है वो ये आप देख सकते हैं, ये कंसिस्टेंसी हो चुकी है इसकी एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी। तो अब आ गई है सर मोल्ड में शिफ्ट करने की बारी। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारे स्मूथ सा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम लोग मोल्ड ग्रीस करेंगे। हमने इस टाइप का मोल्ड लिया है, अगर इस टाइप के पास इस टाइप का मोल्ड है आपके पास तो आप ये ले लें, तो कोई और मोल्ड है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो हम
हम जो है इसे ग्रीस कर लेंगे ऑयल या घी की मदद से। इस तरह से जो है हम लोगों ने मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे ब्रश की मदद से। अब हम लोग जो है इसमें बैटर कोट कर लेंगे अपना, बस इसे फोल्डिंग दे देंगे, फिर जो है हम लोग अपना बैटर कोट कर देंगे, मतलब डाल देंगे इसके अंदर। और हमने जो है अपना ओवन प्रीहीट पहले से कर लिया था, हम लोग जो है इसमें बैटर डाल देंगे। तो ये जो है हमने अपना मोल्ड में जो है हमने सारा बैटर डाल दिया था। अब हम लोग इसे ओवन में 20 से 25 मिनट में जो है ये बन के निकल जाएगा। अब देख सकते हैं ये जो है हमारा सॉफ्ट सा स्पॉन्जी सा केक तैयार हो चुका है। कितना सॉफ्ट बना है, कितना अच्छा स्लाइस करा है। तो अब हम लोग इसके ऊपर की ड्रेसिंग बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमने टॉफीज ली थी, आप लोग चाहें तो जो इस कोई सी भी ले सकते हैं। हमने जो कैडबरी की ली थी, अब जो है हम लोग उसको बाउल में शिफ्ट करके इसकी जो है इसको अच्छे से मतलब कैरेमलाइज कर लेंगे, इसको अच्छे से कैरेमल बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारा वो शेयर तैयार हो चुका था केक के लिए। हमने जो इसको एक कप एक चम्मच लेंगे, हमने इसमें वनीला भी ऐड कर लिया था थोड़ा। तो इस तरह से हमने एक चम्मच लेंगे और इसको इस तरह से फैला देंगे अच्छे से, हमारे जो पूरा केक है उसमें आराम से लग जाएगा। ये जो है हमारा सॉस तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसको जो है हम लोग इस तरह से फैला देंगे और थोड़ा और ठंडा करेंगे तो ये और ठीक हो जाएगा। इसको जो है इस तरह से हम लोग फैला देंगे और सारा सॉस हम लोग तैयार कर लेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बताएं कि आप लोग को हमारी रेसिपी कैसी। देख सकते हैं ये जो है हमारा केक तैयार हो चुका है। जरे मैं स्वीट रीस इसको कुछ भी कह सकते हैं। इसकी जो गार्निशिंग हमने की थी वो हमने की थी वॉलनट से, आप चाहें तो एलमंड भी ले सकते हैं और चाहें तो पिस्ता भी ले सकते हैं। अब देख सकते हैं कितनी आराम से कट गया। अब हम लोग इसे उठा के आपको दिखाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे कितना सॉफ्ट बना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोग को हमारी रेसिपी कैसी लगी और हम लोग आपकी लगी रेसिपी कौन सी रहे। तो चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।